हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप जो भी टिप्स बता रहे हो प्लीज़ उसके लिए जूम वीडियो बना के लाओ और क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे कि भाई शोल्डर में प्लीट्स को कैसे सेट करना है, ट्विस्ट कैसे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ और कमर की प्लीट से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप ये वाला वीडियो देखिए, इस वाले में मैंने आपको बताया कि आपको ट्विस्ट कैसे करना है, कौन सा टिप आपको यूज़ करना है जिससे आपकी परफेक्शन आ सके फ्रंट की शोल्डर में, मतलब फ्रंट की प्लीट्स में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ लेके आई हूँ। और सेफ्टी पिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ब्लाउज़ में पल्ले को पिन के साथ सिक्योर करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, जैसे कि ये वाला। तो ये इसके ऊपर भी वीडियो लगे एंड इस तरीके से आपकी जो शोल्डर प्लीट है वो बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फाइनल लुक आएगा। एंड फिर कमर के पास वाला, जो कमर में आप जिस तरीके से आप बताते बोलते हो ना कि दिया हमें वो वाली क्लियर नहीं होती है कि कमर के पास फिटिंग कैसे आती है, क्या करना है, तो इससे भी वीडियो रिलेटेड लेके आई हूँ। मतलब इस वीडियो में आपको टिप्स बताने वाली हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड उसके बाद ना आपको ना ऐसा फाइनल लुक मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। तो आइए मेरे साथ वीडियो में आगे, चलिए अब मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो पेटीकोट का नाड़ा है ना वो फ्रंट में नहीं बांधना है, ठीक है, उसको आपको बांधना है साइड में। यस, डोंट वरी, मेरा पेटीकोट नीचे नहीं गिरने वाला, ठीक है। अब जो नाड़ा है मैंने थोड़ा पीछे ही किया है और जितने भी रिंकल्स थे पेटीकोट को के वो हम हटा देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे। मार्केट में ना ऐसे शेवियर मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं यार, हर कोई नहीं खरीद पाता, बट ये नॉर्मल पेटीकोट ना 100 और 120 रुपए में आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने साड़ी पहनते वक्त अपनी फुटवेयर नहीं पहनी है, जैसे कि मैंने नहीं पहनी है, तो अभी के अभी जाओ और जाके पहन के आओ, जैसे मैं गई हूँ। अब मैं आपको ना अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। यार ये साड़ी इतनी अच्छी है ना कि जो बिगनर है उसको तो प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो ना तो आप ना कोशिश यही करो कि आप ऐसी साड़ी सेलेक्ट करो अपने लिए जब भी आप पहन रहे हो, जिसमें ना नीचे की तरफ अलग से बॉर्डर ना सिला गया हो। उनको ना सेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे पहला पॉइंट। बट अगर आप बिगनर से थोड़े से ऊपर के लेवल पर हो चुके हो तो आप बॉर्डर वाली साड़ी ले सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप स्टार्टिंग में साड़ी पहन रहे हो तो आप ना ये कोशिश करना कि आपकी जो साड़ी हो नीचे से प्लेन ही हो और सॉफ्ट कपड़े वाली हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैंने जो नॉट बांधी हुई है फर्स्ट पोर्शन में, ठीक है ना, मैंने ये नॉट क्यों बांधा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहली बात, उसको बीच में टक नहीं करना, यार हर वीडियो में बताया गया है, ठीक है। और उसको राइट हैंड साइड में जब आप टक करते हो ना, एंड क्या होता है ना, जब हम बिगनर्स होते हैं ना हमारे पैर में साड़ी बहुत आती है, और सबसे पहला पोर्शन जो साड़ी का जो होता है ना हमारे पैर के नीचे आता है, वो यही जो फर्स्ट पोर्शन हम जो टक करते हैं ना वही आता है, ठीक है। तो उसको मैंने जब टक करके दिखा रही हूँ और जब मैं खींच के दिखा रही हूँ तो वो नहीं खींच रहा, इतना ज़्यादा पैर के नीचे नहीं आएगा। बट अगर आप विदाउट नॉट उसको टक कर देते हैं तो आपके पैर के नीचे आ सकता है और आप 100% गिर सकते हो, ठीक है। मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ, एक ही बार में निकल गया, तो इसीलिए नॉट बांध लेना, ठीक है। तो आपका वहाँ वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तो अगर थोड़ा सा भी खींचता भी है तो वो आपके पैर के नीचे नहीं आएगा, एंड डोंट वरी, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हम लेफ्ट साइड में साड़ी के फैब्रिक को टक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि राइट हैंड साइड जहाँ हमने फर्स्ट पोर्शन टक किया वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऊंचा नहीं होगा, आपके पैर के बराबर रहेगा। बीच में से इस तरीके से टक कर देंगे और प्रॉपर क्लीन कर देंगे। देखो यहाँ राइट हैंड साइड थोड़ा सा ऊंचा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जितना हम चाहते हैं। अगर आपने इस तरीके से बाल खोल रखे हैं ना तो सबसे पहला काम करो कि इन बालों को बांध लो, मैंने जैसा कि बांधा, क्योंकि जब हम साड़ी पहनते हैं ना तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही बाल ही करते हैं। तो मैंने बांध लिया और फिर उसके बाद ले लिया एक सर्कल। सर्कल लेने के बाद अपनी लेंथ को देखते हुए पेटीकोट में साड़ी के फैब्रिक को टक कर देंगे, ठीक है। अच्छे से यार, अच्छे से टक करना। बैक साइड का क्या होता है, जब हम साड़ी पहन रहे होते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, बैक साइड का टक
करते ही हैं, बट हल्का फुल्का कर देते हैं और फिर वो पैर के नीचे आ जाता है और फिर वो ना पीछे से पोंछा लगा रही होती है। तो अगर आपको टक नहीं करना था ना इस तरीके से, एक हाथ से मतलब पेटीकोट को थोड़ा सा खींच लो और दूसरे हाथ से फ्लैट करते हुए और टक कर दो, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पेटीकोट के बाद पल्ले की तरफ। तो पल्ला ऐसे ही सीधे उठा के मत गैदर कर लेना, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने शोल्डर पे रख देते हैं। अब जब हम प्लीट के लिए साड़ी को, मतलब प्लीट के लिए साड़ी लेते हैं तो ऐसा उल्टा सीधा हो सकता है और फिर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं बता दूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पल्ले के पल्लू तक, मतलब साड़ी के पल्लू तक लेके जाना है, ऐसे धीरे धीरे करते हुए, मतलब धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी करना है यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे करते हुए इकट्ठा फिर और अपने फ्रंट की तरफ लेके आ जाना, ठीक है। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा सा आप अपना प्लीट को अरेंज कर लें ऐसे। अभी हम, क्योंकि प्लीट अभी हम बनाने वाले नहीं हैं, अभी हमें ना शोल्डर पे रखना है, तो इस तरीके से लेके आएंगे और फिर हम रख देंगे इसको अपने शोल्डर पे। ये रहा पल्ले की लेंथ, हमेशा घुटने से थोड़ा नीचे रखना, ग्रेसफुल लुक आता है, टॉल लुक आता है। फ्रंट की तरफ से साड़ी के फैब्रिक को लेके आएंगे और कमर के पास से इस तरीके से टक कर देंगे। अब इसके बाद हम कमर की प्लीट्स पे आएंगे, ठीक है। कमर की प्लीट्स को हम इस तरीके से पहले शेक कर लेंगे ताकि थोड़ा सा जो खराब हो रखा है वो ठीक हो जाए। नेवल से दो उंगल हम फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई का आपको ध्यान रखना है कि नेवल से दो उंगल, और जो फर्स्ट प्लीट होती है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट प्लीट बार बार पीछे ना भागे और जब आप खड़े हो जाओ तो आपकी जो फर्स्ट प्लीट है वो पीछे की तरफ ना मुड़े, तो पहली प्लीट थोड़ी ज़्यादा चौड़ी ले लेना, ठीक है, जैसे मैंने ली है। उसके बाद जो दूसरी प्लीट है उस प्लीट से थोड़ी सी मतलब कम चौड़ी लेना, ठीक है। अगर आपने ये वाला टिप अप्लाई किया ना, आप देखना आपकी साड़ी बहुत अच्छी बनेगी। फिर बाकी की प्लीट्स आप अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो हमने जो लास्ट फैब्रिक जो प्लीट में नहीं आया उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया और अंदर की तरफ डाल दिया, उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। एक एक करके जितनी भी प्लीट है ना उन्हें अरेंज कर लेंगे इस तरीके से। जो प्लीट का कॉर्नर है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होना चाहिए और पीछे की तरफ से भी जो प्लीट्स हैं उसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब हम प्लीट बना रहे होते हैं तो वो पीछे से नीचे हो जाता है, जैसे ये मैंने अभी दिखाया ना, तो उसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और शेक कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐसा कर लेते हैं ना तो हमारी जो प्लीट्स हैं सारी की सारी सेट हो जाती हैं। एक एक करके सारी प्लीट को हम ऐसे अरेंज करते जाएंगे, एंड आप देख सकते हैं कि मैंने कॉर्नर को एक साथ किया ना, तो जितनी भी प्लेट है वो अपने आप ही हाफ हाफ इंच में थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई, मुझे अपने आप से मुझे करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए फिर हम पेटीकोट में टक कर देंगे प्लीट्स को। और जब आप फैब्रिक को टक करते हो ना तो अच्छे से अंदर कर लें, बिल्कुल अच्छे से। साड़ी के जो फैब्रिक है ना वो अंदर से अगर गुजुड़ मुजुड़ हो जाता है ना तो वो ना फिर ना थोड़ा मोटा हो जाता है, तो वो हम चाहते नहीं हैं। और अभी हम सेफ्टी पिन नहीं लगा रहे हैं, मैं वो दिखा रही हूँ बट मेरे कैमरे ने दिखाया ही नहीं, सो सैड। चलिए कोई नहीं, अब हम आते हैं शोल्डर प्लीट पर। तो जो टक किया हुआ है हम उसको वैसे ही रहने देंगे और पल्ला हम बनाना शुरू करेंगे। तो पल्ला बनाते टाइम पर क्या होता है ना, मैं हमेशा उल्टी तरफ से बनाती हूँ। कई लोग होते हैं पल्ले को फ्रंट की तरफ से बनाते हैं जो सीधा वाला होता है, तो जब हम पल्ले को सीधे की तरफ से बनाते हैं तो नीचे वाला जो बॉर्डर होता है ना वो पहले अरेंज होता है, तो वो मेरे को सही नहीं लगता। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो पल्ला है वो उल्टी तरफ से बनाती हूँ, तो जो फर्स्ट बॉर्डर होता है उसकी चौड़ाई मुझे पता चल जाती है और फिर प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर आपकी साड़ी में भी इस तरीके से टसल्स लगे हुए हैं या इस तरीके से धागे निकले हुए हैं तो उनको पहले पीछे कर लें। और मेरी फिंगर आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, मैं अपनी फिंगर आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको अपनी फिंगर को कर लेना है और फिर उसमें अपनी साड़ी के प्लीट बनानी शुरू करनी है। तो पल्ले को इस तरीके से कर लिया और जितनी छोटी हो सके उसको बना ले, ठीक है। तो मैंने बहुत छोटा, और फर्स्ट प्लीट से जो बाकी की प्लीट्स होती है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और फिर जिगजैग करना है एंड
फिर प्लीट्स बना लेना है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से प्लीट्स नहीं बन पाती, आपका हाथ नहीं चल पाता, बाय द वे मैं बता दूं, मैं लेफ्टी हूँ और मैं लेफ्ट हैंड से ही प्लीट बनाती हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टमी का सहारा ले सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है कैसे, तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट की प्लेट अगर सही ना हो तो उसको आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दोबारा से सेट कर सकते हैं, और आपको बार बार प्लेट बनानी नहीं पड़ेगी। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो प्लेट्स है वो अरेंज हो गए, और एक नहीं दो नहीं कम से कम 6-7 बार जो पल्ला है उसको शेक कर लें। जब आप ऐसे शेक कर लेते हो ना, आपकी जितनी भी प्लेट इधर उधर हो रखी होती है ना अंदर की तरफ से, वो ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर ना क्या आपको देखना है, आपकी चौड़ाई देखनी है कि आपकी जो पल्ले की चौड़ाई है वो आपकी अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से वन बाय वन जो जैसी प्लीट जा रही है उसको वैसे ही लेते जाएं, ठीक है। और फिर लेने के बाद उसको अपने शोल्डर पर रख लें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी ये थोड़ा सा मैंने पोर्शन पहले सेट किए, ये बिगनर्स के लिए हैं, अदरवाइज मैं तो लास्ट में ही करती हूँ, ठीक है। तो जहाँ पिन लगता है वहीं से सेट करना शुरू करती हूँ। तो ये आप छोटा छोटा पोर्शन अगर लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अपने शोल्डर पर इस तरीके से रख लें, ठीक है। अगर साड़ी शिफॉन की है या जॉर्जेट की है तो वो गिर सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेफ्टी पिन लगा लें और फिर उसको शोल्डर पर रख लें। तो अगर गिरती भी है तो आपका जो प्लीट्स है वो ख़राब नहीं होगा। अब शोल्डर पर रखने के बाद इस तरीके से, वरना हाथ थक जाते हैं ना बार बार थोड़े थोड़े फैब्रिक को पकड़ने में, तो ऐसे कर लोगे तो आपको हाथों का रेस्ट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएँ और फिर उसको सेट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है फाइनल प्लीट को सेट करने का, क्योंकि अभी मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, और अब जहाँ मैंने टक किया ना वो वाला एरिया टाइट नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, साड़ी के फैब्रिक को, पल्ले वाले पार्ट को खींच लूँगी, एंड फिर उसके बाद जितना पोर्शन मैंने स्टार्टिंग में सेट किया था, अरेंज किया था, उतने ही पोर्शन को लेते हुए प्लीट्स को वन बाई वन अरेंज कर लूँगी और अपनी शोल्डर पर रख लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद जो काफ़ी कमेंट आता है मेरे पास, वो वाला पार्ट आ गया है जिसमें पल्ले को सेट करना मैंने बताया है, पिन के साथ सिक्योर ब्लाउज के साथ करना बताया है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप मेरे हाथ में ना पिन देख सकते हैं, पहले तो मैं इसको अपने जो पल्ला है उसको पहले सेट कर रही हूँ। अब देखो ब्लाउज़ में ना हमारा इस तरीके का सिलाई होती है, आगे की तरफ कभी भी पिन ना लगाएं, थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाना है हमेशा, जो सिलाई है उसके थोड़े से पीछे की तरफ लगाएं। अगर आपको नहीं पता चलता है आप मिरर का सहारा ले लें, मिरर के सामने ही खड़े होकर साड़ी पहने यार, बिगनर्स को हमेशा मिरर के सामने ही साड़ी पहननी चाहिए, अपने आप से नहीं तो अंदाज़ा नहीं लग पाता। एंड चौड़ाई आप देख सकते हैं मेरी पल्ले की बहुत छोटी है। अब इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को ट्विस्ट करना है, एंड आप सेफ्टी पिन देख लो मेरी ऊपर से थोड़ी सी शार्प है, जो कि वन टाइम में ही आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थंब से और पॉइंट फिंगर से ट्विस्ट कर लेना है, उसके बाद पिन को अंदर की तरफ डालना है और पॉइंट फिंगर से ट्विस्ट दोबारा कर लेना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप देख चाहें तो इसको दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं। फिर अपने दूसरे हाथ के थंब से उसे प्रेस करें सेफ्टी पिन को, तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। प्लीज़ अगर आपको ना समझ आए तो इस वीडियो को आप दोबारा से, इस वाले पॉइंट को दोबारा से रिवर्स करके देख लेना प्लीज़, आपको समझ आएगा। और फिर सेफ्टी पिन को लगा दें, यहाँ पर मेरी सेफ्टी पिन लग चुकी है। एक बार नहीं दो बार आप प्लीज़ ट्राई करके देखें, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रंट की तरफ से हम जो बस्ट एरिया होता है वहाँ पर जो प्लीट्स हैं उसको अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी साड़ी ना फ्रंट की तरफ से बहुत ख़राब दिखाई देती है। साड़ी में ना ये फैब्रिक ना ऐसे चढ़ जाता है, तो उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार मैंने देखा है, यानी स्टार्टिंग में मैं भी इसी तरीके से पहनती थी, मैं ना यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाती थी और इस तरीके से वो चढ़ जाता था, तो वो लुक ना इतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। क्योंकि यार आजकल ना ये स्टाइल नहीं है, क्योंकि ब्लाउज़ का डिज़ाइन दिखाना भी तो ज़रूरी है। तो इसके लिए ना आपको पता है क्या करना है, पहले तो सारी प्लीट्स को इस तरीके से अरेंज कर लेना है और अपने ब्लाउज़ के उसको हाफ़ करते हुए और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। यस, मैंने इसीलिए आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैं जूम करके दिखा रही हूँ।
लास्ट वाली प्लेट को इस तरीके से आपको दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, ऐसे करना है और फिर इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है, ठीक है। ये ट्विस्ट हो जाएगा और फिर उसको अंदर की तरफ जितनी भी मैंने प्लेट पकड़ रखी थी उसको थोड़ा सा आगे करते हुए और फिर मैं उसे छुपा दूंगी ताकि मेरी जो मैंने ट्विस्ट किया हुआ है वो छुप जाए, ठीक है। और फिर अंदर की तरफ से सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट बॉर्डर को हटाकर भी आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब अंदर की तरफ से सेफ्टी पिन लगाते हैं तो वो चुभने के डर रहता है, बट अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी प्लेट भी लग जाती है और आपका जो सेफ्टी पिन है वो भी आपको चुभता नहीं है। अब एक एक करके जो भी प्लेट जा रही है ना उसे आपको अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए और एक एक प्लेट को अच्छे से अरेंज कर लेना है, तो फ्रंट का जो लुक है ना वो एकदम साफ़ हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा लग रहा है। तो यस, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कमर की प्लेट पर, ठीक है। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट कोई नहीं गाइज, आपके लिए मैंने बहुत डीपली तरीके से वीडियो बनाई है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से साड़ी के फैब्रिक को जो हमने टक किया हुआ था उसको निकाल लेंगे और फिर इस तरह चाहें तो थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर की तरफ से भी जो फैब्रिक है उसको सेट कर सकते हैं। अब ये जो हमने प्लीट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें हम ऐसे हाथ डालेंगे, यस। अपने राइट हैंड को इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ से जब तक हम कपड़ा नहीं पकड़ाएंगे जब तक हमारी उंगलियां ना दिखने लग जाती, ये दिख रही है ना। तो अब इसके बाद हम दूसरे हाथ से फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ा देंगे और फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर एकदम टाइट फिटिंग आने लग जाएगी। जितना हो सके नीचे का भी फैब्रिक कोशिश करेंगे टाइट करने की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी फिटिंग आ गई है। तो इस तरीके से कपड़े के फैब्रिक को दूसरे हाथ को पकड़ा देंगे, वो हाथ ऊपर की तरफ लेके आ जाएगा और दोनों हाथों से ऐसे ट्विस्ट करने लगेंगे, एकदम ट्विस्ट बत्ती बना देना है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से आपको एकदम ट्विस्ट करते हुए बत्ती बना लेना है और फिर सेफ्टी पिन लगा देना है। अगर आपको आपका आपको डर लगेगा कि भी वो खुल जाएगा तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और कभी भी ना इसी तरीके से अंदर ना करते, वो बहुत गंदा लुक लगता है। आपको इस तरीके से करना है और ट्विस्ट कर देना है और फिर पेटीकोट में टक कर देना, तो फ्रंट ना एकदम क्लियर हो जाता है। सो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमर की फिटिंग भी हो गई है एंड कितनी अच्छे से फिटिंग हुई है। सेफ्टी पिन लगाना बिल्कुल मत भूलना, आपने जो कमर की प्लेट्स इंसर्ट करी है अंदर उसमें आप सेफ्टी पिन लगा ले तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। और ये है मेरा फाइनल लुक। यार बारिश का टाइम था ना तो इतना उजाला नहीं आ रहा था और लाइट भी नहीं थी, तो मेरे को अपना यार फाइनल लुक दिखाना था तो इसीलिए मैंने दिखाया है। क्लियर नहीं आई नो, बट प्लीज़ आप ना समझ लेना कि यस, अभी मैं आपको दोबारा से इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी एंड पीछे से देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बिल्कुल इसी तरीके से ही साड़ी पहननी चाहिए एंड इन टिप्स का आपने ध्यान रखा ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये देखो फाइनल लुक कितना ऑसम आ रहा है यार, वाकई में मम्मी को बहुत प्यारा लग रहा है। सो यस, सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट भी हो तो वो भी बता देना, मैं ज़रूर पूरी करूँगी साड़ी ड्रेपिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो यस, अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।